काका, आपके संदेश को उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने हमारे घर चला दिए और तुम हमें बचा भी ना सके। चले जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ रहे तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। बरोबर बोला तुम्हें। ये लोग तो बस बातों के शेर हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। बरोबर कहा मलार, इन्होंने ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की ताकि हमसे कर ले सके। इन्होंने तो हमें मूर्ख बनाया है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो स्वराज के लिए। तुम अपना स्वराज अपने पास ही रखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से वापस, चले जाओ यहाँ से वापस। बाबा है, वो तुम्हारे और तुम्हारे पिता की मुगलों के साथ व्यक्तिगत शत्रुता का परिणाम है। इस विनाश के जिम्मेदार तुम दोनों। वो मुगल मात्र मेरे और मेरे बाबा के ही नहीं, पूरे देश के शत्रु हैं। उनके साथ संघर्ष में आपको हमारा साथ देना चाहिए। ये समय आपसी मतभेद का नहीं है चंद्रसेन जी। कमरुद्दीन का आतंक रोकने के लिए हमें सातारा सूचना भेजकर सेना मंगवानी होगी। उन पर अत्याचार हमारा साथ देने के कारण हुआ है। लोगों की रक्षा करना, उन्हें न्याय दिलवाना हमारा कर्तव्य है। आज से पहले भी दौलताबाद से कर वसूल कर उसको सातारा भेजा जाता था, तब तो कभी सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी आपको सेना की चाहिए। ये कठिनाई भी आपकी खुद की खड़ी की हुई है बालाजी, तो इसका समाधान भी आप खुद ही निकालिए। मेरे पिताजी कहते हैं कि आप बहुत वीर, बहुत चतुर और बहुत नीति कुशल है, और आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी
सरलता से निकाल लेते हैं। तो जाइए जाइए और अपनी वीरता और अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लीजिए। न्याय अन्याय के युद्ध में निष्पक्ष रहना भी अन्याय का पक्ष लेना होता है। सेना तारा रानी साहिब के आदेश पर औरंगजेब से लोहा लेने के लिए बुरहानपुर की तरफ कूच कर रही है। अभी सैन्य अभियान को बंद करके मैं आपकी सहायता करने के लिए सेना को यहाँ तो नहीं बुला सकता। सेना बड़े युद्धों के लिए होती है बालाजी, किसी छोटे से गांव के किसी छोटे से कर्मचारी की सहायता के लिए नहीं होती, समझ लो। बाजी हमारी बात सुनो, हम कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बाबा, जो कुछ भी कहना था वो चंद्रसेन के सामने आपका मौन कह चुका है। आप जानते थे कि वो गलत कह रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, फिर भी आपने उनका विरोध नहीं किया। बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वापस आ गए। आज समझ लो कि संसार में कुछ भी करने के लिए शक्ति का होना कितना आवश्यक है। हर लक्ष्य को काटकर ही रुकना चाहिए। साथियों, हम और मंदार औरंगाबाद में तैनात मराठी सेना के सरदार राघोजी भोसले से औरंगाबाद सहायता मांगने जा रहे हैं। धोनीबा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी अधिकारी हैं, हमारी अनुपस्थिति में आप कर संग्रहण कचहरी संभालेंगे। हो साहिब, पर वरिष्ठ अधिकारी तो मैं हूँ। इस समय बात कर वसूलने की नहीं है, गांव वालों को समझने की है, उनका साहस बढ़ाने की है। जो स्वयं मुगलों के विरुद्ध एक कदम बढ़ाने से डरता हो वो किसी का साहस क्या बढ़ाएगा। हमारे पीछे ना केवल आप मातृभूमि के रक्षकों के नायक होंगे बल्कि बाजी के गुरु भी होंगे। इसकी शिक्षा चलती रहनी चाहिए। अरे हाँ, यह हमारा पुत्र है इसलिए इसे रियायत मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। हो बालाजी। बाजी, तुम्हारा सारा ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कर संग्रहण कचहरी में कोई समस्या उत्पन्न हो। हेलो, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसे साध लिया जाए तो शत्रु को जला देती है, ना साध पाए तो स्वयं को। योद्धा में चपलता और स्थिरता दोनों होने चाहिए। याद रहे बाजी,
तन से पहले मन थकता है, इसलिए आज हम तन और मन दोनों को साधने का अभ्यास करेंगे। ये कार्य तो तुम्हारे लिए अत्यंत सरल होगा बाजी। आखिर तुम्हारे पिताजी और तुम्हें कुछ ना करने की आदत जो है। याद है बाबा ने क्या कहा था? क्रोध एक ऐसी अग्नि जिसे साध लो तो शत्रु को जला देती है, ना साध पाओ तो स्वयं को। का सामना करने से पहले ये सोच लो कि उसे हराने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेमी कावा का प्रयोग करके अपने बड़े से बड़े शत्रु को छोटी छोटी टुकड़ियों से हराया था। वह हमेशा अपने साथ छोटी सेना लेकर चलते थे और तीव्र गति से प्रहार करते थे। उनकी युद्ध नीति कहती है, आगे बड़े शत्रु यदि बन के हवा पीछे हटो, जहां शत्रु डाले छावनी दुर्घटना बनकर तुम घटो। थक चला हो शत्रु जब तब बिजली सा प्रहार हो, वो हार कर भागे यदि तब भी निरंतर वार हो, तब भी निरंतर वार हो। जितना कर हमने गांव वालों से वसूला था उससे दोगुना धन इस बार के हमले के बाद गांव वालों के पुनर्वास पर खर्च हो जाएगा। अब तो बस एक ही आशा है, सर सूबेदार साहब कोई शुभ समाचार लेकर वापस लौटे। मराठियों की बहादुरी, सब चूहों की तरह बिल में चिपकर बैठे हैं। अरे कहां गया तुम्हारा सर सूबेदार? भाग गया वो भी इतनी जल्दी में कि अपने बिल्ले को ले जाना भूल गया। बाजी, तुम्हारा सारा ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कर संग्रहण कचहरी में कोई समस्या उत्पन्न हो। का कोई लाभ नहीं। हमारा शत्रु हमारे सामने आकर हमें ललकार रहा है और आप कह रहे हैं कि हम शांत रहे? और हम कर भी क्या सकते हैं? खास गांव के दौरे पर गए हैं और सर सूबेदार साहब भी नहीं हैं। वो तो यहाँ नहीं है, पर मैं तो हूँ।
यदि आप स्वयं कुछ नहीं करना चाहते तो आप मुझे आदेश दीजिए। एक बालक भला क्या कर सकता है? आयु कम होने से साहस कम नहीं हो जाता टोंडीबा। आप मुझे आदेश दीजिए वरना हम इन गांव वालों का विश्वास कभी नहीं जीत पाएंगे। लड़ेगा? लड़ाई तो बराबर वालों से होती है। मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। तुमने यहाँ कदम रखकर जो भूल की है उसका भी, और तुम्हारे पूर्वजों ने हमारी मातृभूमि पर कदम रखकर जो पाप किया उसका भी। इस बिद्दी के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ। Ah!
यदि तुम युद्ध कला में इतने ही निपुण हो तो मुझे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम मराठी हो, अपने हो, और अपनों को जीता जाता है, हराया नहीं जाता। हमें स्वराज के लिए एक साथ लड़ना, एक दूसरे से नहीं लड़ना। बाजी ने तो शत्रु को भी मित्र बना लिया। बाजी, तुम बिल्कुल अपने बाबा के जैसे हो। दोनों का लक्ष्य एक है, बस तरीके अलग हैं। बालाजी व्यवस्था के साथ चलते हैं, पर बाजी तुम व्यवस्था के विरुद्ध। बाजी, आज जीवन में पहली बार गलत सिद्ध होने के बाद भी प्रसन्नता हो रही है मुझे। तो आज से मैं मल्हार राव होलकर स्वराज की लड़ाई में तुम्हारा साथ देने की प्रतिज्ञा करता हूं।